बृहस्पतिवार को ब्लॉक मुंडा पांडे में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन को दमखम के साथ प्रत्याशी ब्लॉक परिसर में पहुंचे। ब्लॉक में नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो गई। लगभग 12:30 बजे प्रमुखी का नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी डॉक्टर नवदीप सिंह यादव पुत्र गुलाब सिंह यादव के साथ ठाकुर रामवीर सिंह पूर्व विधायक सोलत अली ने ब्लॉक परिसर में पहुंचकर नवदीप सिंह यादव का नामांकन कराया। उसके बाद पूर्व विधायक सोलत अली ने ब्लॉक मुंडा पांडे के गेट पर रुककर बताया कि आने वाली 10 तारीख में हमारा ही प्रत्याशी फुल बहुमत से जीतेगा, क्योंकि मुंडा पांडे में हमें कोई भी प्रत्याशी कड़ी टक्कर नहीं दे सकता। उसके बाद लगभग 2:15 पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रत्याशी के साथ ब्लॉक मुंडा पांडे पहुंचे और भानु यादव पुत्र रेवाराम सिंह का नामांकन कुदर की विधायक हाजी रिजवान जयवीर सिंह यादव ने नामांकन कराया और दूसरा नामांकन आयुष यादव पुत्र हरीश यादव के नाम से कराया। उसके बाद कुन्नर की विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार बस जुमलेबाजी की सरकार रह गई है। सुबह से ही ब्लॉक मुंडापांडे परिसर में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा और किसी भी समर्थक को ब्लॉक में नहीं घुसने दिया गया। ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी पर ही समर्थकों को रोक दिया गया, जिससे कि कोई भी शांति व्यवस्था को बिगाड़ न सके। दोनों पार्टियों के समर्थकों ने शांतिपूर्वक नामांकन कर वापिस चले गए।